आकर्षक झीलों के शहर और पूर्व का वेनिस उदयपुर में आपका स्वागत है। पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित उदयपुर समृद्ध इतिहास, संस्कृति और विरासत से भरा हुआ शहर है जो आपको विस्मित कर देगा। सबसे पहले हम उदयपुर पैलेस देखेंगे, जिसे सिटी पैलेस भी कहा जाता है। ये एक शानदार वास्तुशिल्प चमत्कार है जो राजस्थानी और मुगल शैलियों को मिश्रित करता है। विस्तृत कलाकृति, सुंदर प्रांगण और शहर के लुभावने दृश्यों से मुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। पैलेस परिसर कई महलों से बना है जो 400 वर्षों के दौरान बनाए गए थे। ये वास्तव में वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। उदयपुर भारत की सबसे मनोरम झीलों का घर है। पहाड़ियों, मंदिरों, महलों और स्नान घाटों से घिरी पिछोला झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। मेहमान यहाँ नाव की सवारी कर सकते हैं और आसपास की वास्तुकला और खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप सूर्यास्त देखने के लिए एक खूबसूरत जगह की तलाश कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से पिछोला झील जाना चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे लेक पैलेस, जो पिछोला झील के जगनिवास द्वीप पर स्थित एक आश्चर्यजनक महल है। ये शाही परिवार का ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करता था और अब ये एक लग्जरी होटल है जो अपनी सुंदरता, सजावट, शांत वातावरण और झील के लुभावने दृश्यों के लिए जाना जाता है। जग मंदिर, जिसे लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है, पिछोला झील के ही एक दूसरे द्वीप पर स्थित है। शाही परिवार इस खूबसूरत महल का उपयोग गर्मियों के दौरान आनंद लेने और विश्राम करने के लिए किया करते थे। इस जगह पर आप सुंदर वास्तुकला, हरे भरे बगीचे और झील के शानदार दृश्य देख सकते हैं। जो कोई भी शहर के शोरगुल से दूर जाना चाहता है उसे जग मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अब चलते हैं सुंदर जगदीश मंदिर की ओर। ये प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी सुंदर वास्तुकला और नक्काशी आपको निश्चित रूप से चकित कर देगी। हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जगदीश मंदिर की यात्रा भारतीय आध्यात्मिकता और उदयपुर के समृद्ध इतिहास के बारे में अधिक जानने का एक शानदार तरीका है। सुनिश्चित करें कि आप सहेलियों की बाड़ी घूमने के लिए भी समय निकालें, जिसे युवतियों का बगीचा भी कहा जाता है। इस लुभावने उद्यान को एक राजा ने विशेष रूप से अपनी रानी और उसकी काफिले के लिए बनवाया था। शांत वातावरण में चहलकदमी करें, शानदार फव्वारे और कमल के तालाबों का आनंद लें और संगमरमर के हाथियों और हरे भरे लॉन के साथ एक तस्वीर लेना ना भूलें। एक और दर्शनीय स्थल सज्जनगढ़ पैलेस है, जिसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये महल शहर और ग्रामीण इलाकों के बेजोड़ दृश्य पेश करता है। इलाके के अन्य महलों की तरह इस महल को भी शाही परिवार के ग्रीष्मकालीन आश्रय के रूप में बनवाया गया था और अब ये महल अनगिनत पर्यटकों को आकर्षित करता है और एक सुंदर सूर्यास्त देखने के लिए एक शानदार जगह है। आखिर में हम चलते हैं पिछोला झील के पूर्वी किनारे पर बने अहर स्मारक पर। ये सुंदर संगमरमर और बलुआ पत्थर की स्मारकों से बना एक शाही शमशान स्थल है। शाही परिवार को सम्मान देने और उनके बारे में जानने के लिए ये एक शांतिपूर्ण और सुंदर जगह है। फतेह सागर झील अपने शांत वातावरण और हरी भरी पहाड़ियों से घिरी होने के लिए प्रसिद्ध है। झील के बीच में नेहरू पार्क द्वीप से लोग नाव की सवारी, पानी के खेल और अरावली पर्वत की सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। शिल्प ग्राम एक ग्रामीण कला और शिल्प परिसर जो उदयपुर में घूमने के लिए एक और लोकप्रिय जगह है। ये राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। मेहमान यहाँ पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन, हस्तशिल्प खरीदारी और स्वादिष्ट राजस्थानी भोजन का आस्वाद ले सकते हैं। और अगर आप मार्च या अप्रैल के दौरान उदयपुर में हैं, तो शहर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत उत्सवों में से एक मेवाड़ महोत्सव का अनुभव करना सुनिश्चित करें। ये त्योहार गणगौर महोत्सव के दौरान मनाया जाता है और पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन, जुलूस और एक रंगीन सांस्कृतिक मेले का प्रदर्शन करता है। ये त्योहार स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में खुद को विसर्जित करने का एक आदर्श तरीका है। उदयपुर अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी प्रसिद्ध है। कुछ लोकप्रिय स्ट्रीट फूड्स हैं कचौड़ी, जो कि दाल, प्याज और मसालों से भरा एक कुरकुरा और मसालेदार डीप फ्राइड स्नैक है, और समोसा, जो कि मसालेदार आलू, मटर और अन्य सब्जियों से भरी एक त्रिकोणीय आकार की नमकीन है। जब मिठाई की बात आती है तो उदयपुर में मीठी चाशनी और तले हुए आटे के गोलों से बने गुलाब जामुन जरूर ट्राई करें। हमें उम्मीद है कि इस गाइड से आपको उदयपुर की एक झलक मिली होगी और आपको इस खूबसूरत शहर की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया होगा। तो अब आपके लिए सवाल है कि उदयपुर में आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है?
हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इंडिया सिटी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।